इन माता बहनों के लिए बड़ी अंध भक्ति के बारे में कबीर शाह ने बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी है कि हमारी माता बहन हमेशा चाल नहीं चलती है, एक कुचाल चलती है। कि चलती कुचाल भैया चलती कुचाल क्षमा लो अपन दुल्हन, चलती कुचाल क्षमा लो अपन दुल्हन। बहनों का दिमाग एक ठिकाने पे रहता नहीं है, तब फिर का मन डोलता रहता है कि आज क्या करूं, आज कौन सा ड्रामा बना के तैयार करूं, आज कौन सा त्योहार आ रहा है, भैया दो जा रही है। यानी हमेशा ये माता ना बिगाड़ने पे रहती है, कभी संभालने पे ये लोग नहीं रहती है। यही दुल्हन के पति समन है, तुम्हारे मुंह में 32 दांत हैं, 32 दांतों के बीच में एक जिब्या है और तब भी जीव तुरंत निकल आती है, फटाक से उल्टा सीधा बोल जाती है, फिर अंदर घुस जाती है। वही मेरी माता बहनों का हाल है, ये इतनी बेड़ियों में कसी हैं, तब भी ये ठिकाने पे नहीं रहती है। हाँ, यही तो लहन के बेहाल, यानी तनी जगर का मन डोलता रहता है और तब भी इनका मन बेहाल रहता है, कभी एक जगह पर टिकता नहीं है। अपना बोली महलमा घुस गई, अपना बोली है कैसी माता बहनों, 32 दांतों के बीच में एक जिब्या है, जहाँ चार माता बहन इकट्ठी हो गई, जिब्या निकल के आई, फटाक से उल्टा सीधा बोल गई और लप पसीने घर में आराम से घुस जाती है। वही माता बहनों का हाल, जहाँ चार हमारी माता ने इकट्ठी हुई, समझो लड़ाई वाली बात सुनो, अपना तो बोल के घर में घुस जाती है और जूत पड़ता तुम्हारे भाइयों के सर पर पड़ता है। अपना बोली महलमा घुस गई, समझो।
बड़े हिसाब से रखना पड़ता है, है? जब जिभ्या कभी कभी कट जाती है तो दर्द बड़ा होता है, उसी तरीके से माता बहनों का हाल है, इनको संभाल के रखिए, संभाल के तो तुम्हारा घर सुधरेगा, ऐसे नहीं सुधरेगा। अरे यही दुल्हन को रखो संभाल।